आमदारी एक आरोपी का उद्घाटन होने वाला है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने इस कार्यक्रम में सहभागी बने। जो भी आरोप भी या एक लाइफ लाइन के रूप में यह मैंने साबित होगा, यह आम डाही ढाला एक प्रमुख ढाला है और यहाँ मैंने आवागमन में हजारों हजार गाड़ियाँ प्रतिदिन आते जाते रहते हैं और आम गाड़ी में ढाला पर हमें लगता है कि जब रेलवे का क्रॉसिंग होता था तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे आधे घंटे तक कभी क्रॉसिंग की वजह से ढाला बंद रह जाता था। सबसे बड़ी कठिनाई उस समय होती थी उन मरीजों को, जो मरीज बेचैनी में इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने के लिए अपने एम्बुलेंस पर होते थे और उनको छपरा और पटना जाना पड़ता था और यह ढाला बंद हो जाता था। बंद होने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। बहुत सारे ऐसे मरीज भी ढाला की वजह से दम भी तोड़ देते थे। यह एक तो रफ्तार भी बढ़ेगा, इतने अगर सामान्य रूप से भी लोगों को आने जाने में जो घंटों समय बर्बाद हो जाता था वह बर्बाद नहीं होगा। उस समय गाड़ियां भी स्टार्ट रहती थी तो उस समय गाड़ियों का तेल भी अगर जलते रहता था तो फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने वायुमंडल भी दूषित होता था। तो कई एक तरीका के इससे लाभ मैंने आरोपी बनने से होगा। और एक सबसे बड़ी बात, जब अपन छपरा पर चलिए तो गोपालगंज तक कहीं भी कोई आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ब्रेक लगाएं चाय पानी पीने के लिए, लेकिन ऐसे ढाला वाला जो जितने मैंने परेशान करते थे और उसकी परेशानी अब दूर हो गई और हमें लगता है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इससे जिला के ही नहीं यह जिला के कनेक्टिविटी के लिए है। और यह तो रोड सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, इधर से भी आप अगर आइए तो यहाँ आप मांझी हिल जाइए तो बलिया से, उधर से जाइए तो गोरखपुर से देवरिया आप सीधे आप एथी से गोपालगंज से जुड़ जाते हैं। तो ये प्रमुख रोड है और जिसका एक बड़ा लाभ स्वतः मिलेगा, लोगों का पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, बहुत सारे घंटे बचेंगे इससे लोगों का। यह लाभ के मायने में बहुआयामी लाभ इसको कर सकते हैं, हर दृष्टि से लाभ ही लाभ इससे आरोपी बनने से होगा। लगभग कितने की लागत से बना है ये आरोपी? मैं बताता हूँ इसका एक लिस्ट दीजिए कितने लागत से बना है, क्या है इसका जरा पूरा और कितना किलोमीटर बाबा तन सीधा रहिए, बाबा वो साइड चल जाइए। आरोप भी यह एक लाइफ लाइन के रूप में यह मैंने साबित होगा। यह आम डाढ़ी ढाला एक प्रमुख ढाला है और यहाँ मैंने आवागमन में हजारों हजार गाड़ियाँ प्रतिदिन आते जाते रहती थी और आम डाढ़ी में ढाला पर हमें लगता है कि जब रेलवे का क्रॉसिंग होता था तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे आधे घंटे तक कभी क्रॉसिंग की वजह से ढाला बंद रह जाता था। सबसे बड़ी कठिनाई उस समय होती थी उन मरीजों को, जो मरीज बेचैनी में इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने के लिए अपने एम्बुलेंस पर होते थे और उनको छपरा और पटना जाना पड़ता था और यह ढाला बंद हो जाता था। बंद होने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। बहुत सारे ऐसे मरीज भी ढाला की वजह से दम भी तोड़ देते थे। तो यह एक तो रफ्तार भी बढ़ेगा, जितने अगर सामान्य रूप से भी लोगों को आने जाने में जो घंटों समय बर्बाद हो जाता था वह बर्बाद नहीं होगा। उस समय गाड़ियाँ भी स्टार्ट रहती थी तो उस समय गाड़ियों का तेल भी अगर जलते रहता था
तो फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड माने वायुमंडल भी दूषित होता था। तो कई एक तरीका के इससे लाभ माने ये आरओबी बनने से होगा। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर छपरा पर चलिए तो गोपालगंज तक कहीं भी कोई आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ब्रेक लगाएं चाय पानी पीने के लिए। लेकिन ऐसे ढाला वाला जो जितने माने परेशान करते थे और उसकी परेशानी अब दूर हो गई, और हमें लगता है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इससे जिला के ही नहीं यह जिला के कनेक्टिविटी के लिए है। और यह तो रोड सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, इधर से भी आप अगर आइए तो यहाँ मांझी हिल जाइए तो बलिया से, उधर से जाइए तो गोरखपुर से देवरिया, आप सीधे आप एथी से गोपालगंज से जुड़ जाते हैं। तो ये एक प्रमुख रोड है और जिसका एक बड़ा लाभ स्वतः मिलेगा, लोगों का पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, बहुत सारे घंटे बचेंगे इससे लोगों का। यह लाभ के मायने में बहुआयामी लाभ इसको कह सकते हैं, हर दृष्टि से लाभ ही लाभ इससे आरओबी बनने से होगा लोगों को। ईटीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।